दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों ये कथा बहुत ही सुंदर है, कथा को पूरा सुन के लाइक जरूर करें। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है दो साधु भाई और एक मणिधारी सांप। बहुत समय पहले की बात है, गंगा के किनारे दो कुटिया थी जिसमें दो सन्यासी रहते थे। दोनों ही सगे भाई थे। उसी नदी में एक मणि वाला सांप भी रहता था जो इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकता था। एक दिन वह सांप एक मानव के वेश में भी एक दिन वह सांप एक मानव के वेश में नदी किनारे टहल रहा था। तभी उसकी दृष्टि छोटे सन्यासी पर पड़ी जो अपनी कुटिया में बैठा था। सांप उसके पास पहुंचा और नमस्कार कर उससे बातचीत करने लगा। पहले ही दिन से दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र बन गए। फिर तो दोनों के मिलने का सिलसिला बढ़ता गया और वे दोनों हर एक दो दिन में मिलने लगे और आते जाते एक दूसरे का आलिंगन भी करते। एक दिन सर्प अपना मानवधारी रूप त्याग अपने असली रूप में प्रकट हुआ। उसने अपने कंठ से निकाल कर अपनी मणि भी उस सन्यासी को दिखाई। सांप के असली रूप को देखकर सन्यासी के होश उड़ गए। डर से उसने अपनी भूख प्यास भी खो दी। इससे उसकी अवस्था कुछ ही दिनों में एक चिरकालीन रोगी की तरह हो गई। बड़े सन्यासी ने जब उसकी रुग्णावस्था को देखा तो उससे उसका कारण जानना चाहा। छोटे भाई के भय को जान उसने उसे सलाह दी कि उसे उस सांप की मित्रता से छुटकारा पाना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को दूर रखने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि उसकी कोई प्रियतम वस्तु मांगी जाए। अतः वह भी सांप को दूर रखने के लिए उससे उसकी मणि को मांगे। दूसरे दिन जब वह सांप छोटे सन्यासी की कुटिया में पहुंचा तो सन्यासी ने उससे उसकी मणि मांगी। इसे सुन वह सांप कुछ बहाना बनाकर वहां से तुरंत चला गया। इसके पश्चात भी सन्यासी की दो बार सांप से मुलाकात हुई और उसने हर बार उससे उसकी मणि मांगी। सांप तब उसे दूर से ही नमस्कार करके चला गया और फिर कभी भी उसके सामने नहीं आया। दोस्तों आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।